अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अब हम नाश्ता कर रहे हैं और आज मेरी अम्मी की रेसिपी हम आपको देंगे, क्योंकि वो उनकी मम्मी की रेसिपी है जो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही यूनिक है और ट्रेडिशनल है। सबसे बड़ी बात तो ये, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेरी अम्मी हैं और मिलिए इनसे। और ये लाई हैं अपने किचन में एक बहुत ही धमाकेदार सी रेसिपी, जो है आम और हरे मिर्चे का अचार। तो ये देखिए, इन्होंने इधर कड़वा तेल पका लिया है और इधर सौंफ भून रही है और ज़ीरा, मंगरेल, मेथी, जो अचार का मसाला होता है, सब भून लिया है उन्होंने। और ये तकरीबन आधा किलो मिर्च है, इसमें इन्होंने बीच से चीरा लगा दिया है। और ये खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि इनको पैरों की दिक्कत है, तो सारा प्रोसेस ये बैठे बैठे कर रही हैं। इन्होंने पैर के पास मिक्सी लगा ली है और सारे मसाले जो भून के लाई थी उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और ये लहसुन है, इन्होंने इसको अच्छे से वॉश करके छील लिया था। और इसके अंदर आम है, लेकिन आम की मिकदार थोड़ी कम इन्होंने रखी क्योंकि आम मिल नहीं पाए, दो दिन से बारिश हो रही थी। तो आप जब बनाइएगा तो आम और मिर्च की मिकदार एक बराबर रखिएगा। और यकीन मानिए, ये मेरी मम्मी की मम्मी की मम्मी की रेसिपी है और इसे हम कई सालों से बना रहे हैं और खा रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो आज हम आपके साथ कोई भी ब्लॉग नहीं शेयर कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मम्मी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो ये देखिए, इन्होंने मिर्चे और आम को मिला लिया है। अब जो उन्होंने मसाला तैयार किया है, और ये सारा मसाला है, और इसके अंदर नमक डाल दिया है और ये कड़वा तेल इसी मसाले के अंदर डाल देंगी। तो देखिए, ये सारा मिला दिया है, लहसुन और सारा अचार का मसाला। तो आप सभी को पता होगा, अचार के मसाले में सौंफ, खड़ा धनिया, सूखा मिर्चा, मंगरेल, ये सारी चीज़ें, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें जाती हैं और लहसुन जाता है। और ये देखिए, जो कड़वा तेल पका हुआ था वो जो है इसमें शामिल कर दिया है। और आपने कड़वा तेल पका के ही डालना है, वरना अगर आप कच्चा डालेंगे तो आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो तेल पका के डालने से अचार में फफूंदी नहीं लगती है। तो इन्होंने सारा मसाला हरे मिर्चों में शामिल कर दिया है, और जो मसाला जिस बर्तन में रखा था वो भी अच्छे से मिर्चों में लपेट करके निकाल लिया है। मसाला ऐसा हमें अर्गिस भी इसका ज़ाया नहीं करना है। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया। और आप इसे दाल चावल से खाएंगे तो आपके मुंह में एक जायके का ज़ोर से ब्लास्ट होगा। तो ये ब्लास्ट आग और केमिकल का नहीं, ये ब्लास्ट होगा जायके का, जो आप खाते ही इसके दीवाने हो जाएंगे और बार बार इस जायके को अपनी ज़बान पे चखना चाहेंगे। तो ये देखिए, इसमें इन्होंने सिरका भी शामिल कर दिया है। सिरके से इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है और इसकी जो लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। तो हम आपसे फिर रिपीट कर रहे हैं, जब आप इस अचार को बनाइएगा तो आप आम और मिर्च की मिकदार एक बराबर रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही थी तो आम मिल नहीं पाया। तो इसके बाद इसमें इसको अच्छे से हम एक सूखे डिब्बे में वॉश करके भर लेंगे और इसमें थोड़ा कड़वा तेल शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 दिन धूप में रखेंगे। तो आपका अचार ये तैयार है। तो कैसी ये लगी रेसिपी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।